स्कूली बच्चों ने बनाया देश का पहला रोड सेफ्टी रोबोट। इरादा है सड़कों पर चल रहे लोगों की सेफ्टी और ट्रैफिक पुलिस की सहायता करना। देश में पहली बार इस तरह का रोबोट बनाया गया है। इस रोबोट को 3 महीने में तैयार किया गया और इसे बनाने वाले बच्चे मात्र 9 से 14 वर्ष की उम्र के हैं। इसमें से 8 बच्चे बैंगलोर और बाकी चेन्नई और हैदराबाद से हैं। वैसे इनका कहना है कि इससे पैदल चलने वालों को सुरक्षा मिलेगी और खासकर बच्चों को रास्ता क्रॉस करने में आसानी होगी। इस रोबोट के 2 हाथ हैं जो ट्रैफिक सिग्नल इशारा करेंगे, साथ ही ये बातचीत भी करते हैं और हेलमेट पहनना, सिग्नल ना कूदना, इन सब की जागरूकता प्रदान करेंगे। फिलहाल ये अपने प्रारंभिक स्टेज पर है। आशा है कि हमें जल्द ही रोड पर भी ये दिखाई देंगे। वैसे आप कितने उत्साहित हैं ट्रैफिक रोबोट को देखने के लिए, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।